केप्री ग्लोबल, रिसेंटली स्टॉक में हमने जबरदस्त एक्शन भी देखा था. आज ऑफकोर्स मिड कैप स्मॉल कैप्स में जो वीकनेस आ रही है उस पर स्टॉक में भी मुनाफा वसूली चल रही है, बट 20% का सर्किट इसने रिसेंटली लगाया 5 तारीख को. एडजस्टमेंट भी था, बोनस इशू था 1:1 और फिर स्टॉक स्प्लिट भी था 2:1 का, और उसमें हमने कंपनी में बड़ा एक्शन भी देखा है. आइए आज बात करते हैं कंपनी के एमडी राजेश शर्मा साहब के साथ. सर, बड़ा डेवलपमेंट आपके लिए आया है रिसेंटली, जो कॉम्पोजिट इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस मिला था IRDAI की तरफ से, जरा इसके बारे में थोड़ा बताइए. अब ये जो लाइसेंस आपको मिल गया है, आपने अपने MOA में भी बदलाव करा है, अब आगे क्या प्लान्स हैं इसको लेकर? देखिए, जो इंश्योरेंस कंपोजिट लाइसेंस मिला है, अभी हमारे करीबन 3 लाख से ज्यादा कस्टमर हैं, जो अगले साल बढ़ के 7 से 8 लाख हो जाएंगे. उन कस्टमर्स को इंश्योरेंस का एक सॉल्यूशन देना और उससे एक रेवेन्यू जनरेशन का अपॉर्चुनिटी के लिए हम काम कर रहे हैं. तो पूरा एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे क्रॉस सेल का एक सिस्टम बिल्ड किया जा रहा है, जिसके तहत हम अपने सारे कस्टमर्स को इंश्योरेंस का एक सॉल्यूशन देंगे, चाहे वो मेडिक्लेम हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे एक्सीडेंट कवर हो. और उससे एक हमारे कस्टमर की एक हेल्प होगी, ताकि वो एक राइट एडिक्वेटली इंश्योर्ड होगा और उसके उसमें हमें एक काफी अच्छी फी इनकम जनरेट होती है. तो अगले साल का टारगेट है कि हम 100 करोड़ से ज्यादा की रेवेन्यू इससे जनरेट करें और करीबन 30 करोड़ के आसपास का इससे प्रॉफिट जनरेट करें. या तो इंश्योरेंस बिजनेस में तो अच्छा एक्शन है. कार लोन सब्सिडी ने भी Q3 में फंक्शनिंग करनी शुरू कर दी थी सर, जरा इसके बारे में बताएं. इस क्वार्टर में कुछ पिकअप देखा है, कैसा ट्रैक्शन कार लोन बिजनेस से आ रहा है सर आपके लिए? तो कार लोन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हम करीबन 9 पार्टनर बैंक के साथ में कार लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ लीड ओरिजिनेट करके उनको देते हैं, उसके बदले हमें फी मिलती है. इसमें कोई हमें लेंडिंग नहीं करनी होती है, तो इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, प्योर फी इनकम प्ले है. इस साल हम करीबन 10,000 करोड़ के आसपास का हम नंबर करेंगे कार लोन डिस्ट्रीब्यूशन में. अब हमने एक नई कंपनी बना के उसमें सारा डिस्ट्रीब्यूशन हम पार्क कर रहे हैं, तो ये जो नई बुकिंग होगी वो नई इस कंपनी में होगी, जहाँ पे कार से रिलेटेड सारी सर्विसेज ऑफर होंगी. न्यू कार लोन है, अभी हम आने वाले टाइम में ओल्ड कार लोन शुरू कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ जो कार से रिलेटेड है वो इसमें शुरू होगा फी इनकम बेसिस. तो हमें लगता है कि इस क्वार्टर में हम करीबन 3,000 करोड़ के आसपास का लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अगले साल का हमारा टारगेट करीबन 12,000 करोड़ का है. सर, 1.5 साल पहले आपने गोल्ड लोन का भी कारोबार शुरू किया था, ऑफकोर्स यहाँ पर हमने खबर भी देखी है IIFL फाइनेंस पर RBI का एक्शन है, बट आपका गोल्ड लोन का कारोबार इस समय कैसे कर रहा है? ब्रेक इवन लेवल पर पहुंच चुके हैं या फिर कैसे प्रोग्रेस है वहां पर? मोस्टली सारी ब्रांचें हमारी मार्च एंड तक ब्रेक इवन कर जाएंगी, कुछ कर चुकी है, कुछ बैलेंस कर जाएंगी, और हमें अगले साल लगता है गोल्ड लोन से करीबन अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा. जो लॉस है वो लॉस बंद हो जाएगा और प्रॉफिट आएगा, तो डबल इंपैक्ट आएगा अगले साल के प्रॉफिट एंड लॉस में. तो आपको पहले क्वार्टर में वो क्लियरली दिखेगा. डिजिटल लोन्स पर भी आप कुछ वापस एंट्री ले रहे हैं डिजिटल लोन्स में, ऐसी कुछ खबरें चल रही थी या लॉन्च कर रहे हैं डिजिटल लोन्स, जरा इसके बारे में बताएं. डिजिटल लोन को अभी हम इवेल्युएट कर रहे हैं, थोड़ा पायलट लॉन्च करेंगे, उसके बाद में फॉर्मल लॉन्च करेंगे. तो अभी उसमें थोड़ा समय है, लेकिन अभी उस पर काम करना शुरू कर दिया, टीम बिल्ड कर रहे हैं, अपना टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर रहे हैं. तो अभी उसमें पहले पायलट लॉन्च होगा, तो ये अभी 6 महीने का इसमें समय है. ओके, तो 6 महीने का अभी समय है इसमें, बट काफी सारे अपडेट्स हैं इंश्योरेंस बिजनेस को लेकर, कार लोन्स को लेकर, गोल्ड लोन्स और डिजिटल लोन्स भी हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये क्विक अपडेट देने के लिए कि केपी ग्लोबल में कल चल क्या रहा है, क्योंकि रिसेंटली स्टॉक में हमने जबरदस्त एक्शन देखा है, कल ऑफकोर्स 20% के सर्किट पे था. बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ बात करने के लिए.